हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फेस्टिव सीजन बस आने ही वाला है, इसीलिए मैं लाई हूँ एक बढ़िया टैन रिमूविंग पैक जो कि बॉडी और फेस दोनों के लिए है। और आज मैं लंच में बनाऊँगी ककोड़े फ्राई, रेड स्पिनच फ्राई और पॉम्पलेट। फिश की एक ज़बरदस्त बंगाली रेसिपी। सो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ मैं कार्डियोज एक्सरसाइज करने के बाद आ गई हूँ, अपनी ब्रेकफास्ट गरम करके खाऊंगी। हाय गाइस, आई एम मून, कैसे हैं आप सब? सो चलिए अब मैं बनाती हूँ पहले रेसिपीज़, इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा और साथ ही रहेगा मेरा एक स्पेशल टैन रिमूविंग पैक। मैंने लाए हैं फ्रेश पॉम्पलेट। अब मैं इन पॉम्पलेट्स को अच्छे से वाटर से वॉश कर लूँगी और इसमें मिलाऊँगी नमक और हल्दी मैरिनेशन के तौर पर फ्राई होने से पहले। यहाँ मैंने पहले से ककोड़े को काट कर रखा था और ये है लाल स्पिनाच। अब पॉम्पलेट फिश में मैं हल्दी और नमक मिलाऊंगी, साथ ही ककोड़े में भी मिलाऊंगी और दोनों को अच्छे से हाथों से मैरिनेट करूंगी, जिससे कि इस फिश में हल्दी और नमक अच्छी तरह से समा जाए और फ्राई भी बहुत अच्छे से होता है। साथ ही मैंने ककोड़े में भी सेम प्रोसेस अपनाया। फिश फ्राई करने से पहले मैं यहाँ लूँगी 50 ग्राम ऑफ पॉपी सीड्स और साथ ही उसमें मिलाऊँगी 4 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स और साथ ही दोनों को मैं पानी में सोक करने के लिए डाल दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसे सिलबट्टे में पीस लूँगी। ये है मेरे तांबे का जग जिसमें मैं रखती हूँ अपने लिए पानी, और तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ऑयल हो चुका है कढ़ाई में गरम, अब मैं एक एक करके पॉम्पलेट को इसमें छोड़ते रहूंगी। अब मैं सोक्ड किए हुए पॉपी सीड्स और मस्टर्ड सीड को सिलबट्टे में अच्छे से पीस लूंगी। मैंने फिश को अच्छे से फ्राई करके एक बाउल में रख दिया और ये है मस्टर्ड और पॉपी सीड की पेस्ट। अब मैं तेल में मिला दिया मैंने पंचफोड़न और वो पेस्ट जो मैंने बनाया था फिश के लिए। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती रहूँगी और स्वाद अनुसार नमक मिलाऊंगी, और जैसे ही इस पानी में उबाल आ जाएगा मैं फ्राइड फिश को इसमें डाल दूँगी। मेरे फिश की रेसिपी रेडी होते होते मैं एक अलग कढ़ाई में तेल डालूंगी और उसमें और मैंने जो ककोड़े रखे थे उसे एक एक करके इस तेल में फ्राई कर लूंगी। ककोड़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद निकाल लिया और मैंने इसी कढ़ाई में लहसुन के साथ साग को फ्राई कर लिया। ये एक DIY है जो मैंने बनाई है अपने वॉल डेकोर के लिए। अब मैं यहाँ अब नेक्स्ट आप लोगों को टैन रिमूविंग पैक के बारे में ज़रूर बताती हूँ। उससे पहले मैंने फ्रूट्स को धो लिया और रख दिया है फ्रूट बोल में, और यहाँ बच्चों को मैंने लंच सर्व कर दिया। सो अब मैं बताऊँगी टैन रिमूविंग पैक। ले लिया है 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर, 2 स्पून कोकोआ पाउडर, 1 स्पून डस्ट किए हुए चीनी या शुगर, और थोड़ी सी एलोवेरा जेल, थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स लेमन स्क्वीज किए हुए। सो मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा जेल को निकाल लिया है और ये है 2 स्पून मैंने यहाँ मिक्सचर को लिया और उसमें मिलाया फ्रेश एलोवेरा जेल। आप चाहे तो लेमन भी स्क्वीज करके दे सकते हैं। और फिर मैंने इसे अपने फेस पर और दोनों हाथों में अच्छी तरह से लगा लिया। फिर 20 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी ड्राई होने के लिए। इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही लगाएं। इससे ज़्यादा लगाने से हमारे स्किन में हार्श हो सकता है। पैक धोने के बाद देखिए इसका रिजल्ट, वाओ, जस्ट ऑसम।
वालों को लंच करा दिया और मैं अब शार लेने के बाद बैठूंगी लंच पर। चलिए आप भी ज्वाइन कीजिए। अब मेरा लंच हो चुका, अब मैं आ गई हूँ छत पर। बाहर सुबह से ही बारिश बहुत हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं और बेटी आए हैं यहाँ मस्ती करने बारिश के बूंदों के संग। हो चुकी है शाम, हमने चाय पी ली है और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स। आज मैं इवनिंग स्नैक्स में बना रही हूँ पास्ता विद वेजिटेबल्स एंड साथ ही इसमें डालूंगी सिजवन सॉस। मैंने बच्चों को टिफिन दे दिया है और अब मैं बनाऊंगी रात का डिनर। आज मैं डिनर में बनाऊंगी रोटी और लाल छोले की सब्जी। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन प्याज और अदरक की पेस्ट डाल दी। फिर मैं मिलाऊंगी नमक और हल्दी, साथ ही थोड़ा जीरा पाउडर और मसाला। फ्राई होने के बाद डाल दूंगी उसमें बॉयल किए हुए छोले जो मैंने पहले से बॉयल करके रखे थे और थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर छोड़। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे आज की टिप्स, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।